इतनी उम्मीदें हम लोगों ने अफगानिस्तान से लगाई थी ना, पर सब एकदम पूरे सपोर्ट में बैठे हुए थे हम, पर सब कुछ खत्म हो गया. एंड आई नो मैं मुस्कुरा रही हूँ, पर मोस्ट ऑफ यू इंडियंस आर वेरी सैड राइट नाउ, और दुख में है, गम में है. मैं बता दूँ कि भैया चिंता करने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से भी कुछ नहीं होगा. हो गया वो हो गया, वी हैव टू डील विद ऑल दिस. अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड वॉन बाय 8 विकेट्स, विच वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. इतना कुछ बोलती हूँ मैं इंट्रो में वीडियो स्टार्ट होने से पहले, बट टुडे आई डोंट फील लाइक अटरिंग अ सिंगल वर्ड. मतलब जैसे अल्फाज खत्म हो चुके, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है. हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. अभी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, कम से कम वहां पे देख के कुछ तुम्हारे ना हंसी वसी निकल जाएगी और ये दुख दूर भाग जाएगा. तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके देख लो. ये बहुत ही अतरंगी वीडियो है जिसपे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ. इट सेज अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच, इंडियन मीडिया एंग्री रिएक्शंस बिफोर एंड आफ्टर मैच. चालू करते हैं. मैच से पहले देखते हैं कि क्या होगा. उसके ऊपर गौर फरमाना नहीं चाहिए, हमें ये गौर बजता फरमाना चाहिए कि हम कैसे क्वालिफाई करें, भारत कैसे क्वालिफाई करे. और अगर करता है, और जो मैं उम्मीद करता हूँ, एक बार पाकिस्तान दोबारा मिले इंडिया को, चाहे वो फाइनल में मिले या फिर कहीं और मिले, जहां भी मिलेगा मैच अब होगा ना, तो फिर देखते हैं कि कैसे, किसने किसको कहां धूल चटाई थी. क्योंकि ये क्रिकेट है, अगर आपने एक बार हमें हराया है तो टीम इंडिया, मुझे अभी भी जो मैं पहले मैच से कह रहा था भजू, ये तो मतलब कमाल ही हो गया. कहते ना कि आपको जो जो चाहिए था उससे बेहतर मिला है इस मैच में. जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. और टीम इंडिया ने वो काम किया जो उनके हाथ में था. देखिए, जीतना और ऐसे जीतना वो उनके हाथ में था, वो ये कर सकते थे. और उन्होंने अपनी तरफ से अब जो चीजें ठीक करनी थी वो तो कर ली है. अब बाकी अगर कहें कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में उस मैच में क्या होगा, वो तो उस दिन देखा. वो इंडिया फैन वाला वाली बात भी आ जा रही है. बात अभी भी वही है, बट न्यूजीलैंड प्रेशर में होगा. अब देखिए प्रेशर में कौन होगा, प्रेशर में न्यूजीलैंड होगा सबसे ज्यादा. 7 तारीख को दोपहर 3:30 का मैच है वो, ए अबू धाबी में है. मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई आरंट वी गेटिंग अहेड ऑफ दिस थिंग. Yes, I think we are getting ahead of time. और मुझे लगता है जो शायद से गलत बात है, बट देन क्या कर सकते हैं, कभी कभार ये सब चीज मुकाबले में. कुंतल, जरा दर्शकों को बताइए क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारी वापसी हो जाएगी. देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो यही है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो अबू धाबी में, उनका रिकॉर्ड काफी अच्छी है. और कुछ ही देर पहले रूबिका ने ये सवाल किया था कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड क्या है, तो आपको बता दूं न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अबू धाबी में ऐसा है कि एक ही मैच अब तक न्यूजीलैंड को खेलने का मौका मिला है अबू धाबी में, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें कि न्यूजीलैंड की टीम 2 रन से मैच हार गई थी 3 साल. तो प्रार्थना भी करेंगे कि अफगानिस्तान एक बड़ा उलट फेर करे जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिला. सारे वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है एक टीम बड़ी टीम को जरूर अपसेट करती है. क्या ये अफगानिस्तान होगी ये देखना होगा 7 तारीख को. बिल्कुल, ये देखना होगा. और खासकर विराट कोहली ने भी कहा है कि उनकी नजर 7 तारीख को जो है अपने से पहले जो मुकाबला वो जो होगा यहाँ पर, खासकर अगर बात करें हिंदुस्तान के पास एक एडवांटेज भी है यहाँ पर अपने नेट रन रेट पर ध्यान रखने का. लेकिन अगर पाजी बात करें, हमने राहुल की बात की, हमने बात की रोहित शर्मा की, शानदार फॉर्म में आए जिस तरीके से. न्यूजीलैंड मैच का बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने कहा आपका मैच सोमवार को है नामीबिया के आगे, वो आप जीतेंगे ही जीतेंगे. और आपका नेट रन रेट ऑलरेडी इतना अच्छा है कि अगर अफगानिस्तान कल न्यूजीलैंड को 1 रन से हराए या 20 रन से हराए या 40 रन से हराए, आपको फर्क नहीं पड़ता. द मोमेंट अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी. अगर वो 10-12-15 रन से जीतता है तो भी आपका नेट रन रेट बहुत अच्छा है. और अगर वो थोड़ा ज्यादा जीत जाता है तो फिर नामीबिया को तो आप हराएंगे हराएंगे और वहां पर आप कवर अप कर लेंगे. कि पाकिस्तान अगर 10 बार इंडिया से खेलेगा तो इंडिया 8 बार पाकिस्तान को हराएगी. और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 10 मैच की सीरीज करवाओ उसमें से 8 मैच पाकिस्तान हारेगा और भारत 10 में से 8 मैच जो है वो जीतेगा. तो ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं. जो गिने चुने लोग ट्विटर पे भौंक रहे हैं उनको भौंकने दो, करने दो अपना काम, हमें कोई लेना देना नहीं. वो अगर फाइनल में मिलेंगे तो हम दिखाएंगे भारत क्या कर सकता है. नहीं, और अफगानिस्तान को हराया 210, आज स्कॉटलैंड को भी मार. नहीं तो आज पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान पूरी की नहीं बात कर रहा हूं. मैं जानता हूं कि जिस तरह हमने यहां पर बैठकर आपकी टीम को इंकरेज किया, उसके लिए तालियां बजाई, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी जो
राइट क्रिकेट फैन है वो इंडिया की टीम की तारीफ करेगा, लेकिन जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने इंटेंट नहीं दिखाया, उनके बड़े एंकर्स भी थे, उनके बड़े प्लेयर्स भी थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या न्यूजीलैंड को, और मैं अभी भी मान रहा हूं कि अफगानिस्तान किसी एक बड़ी टीम को हराएगी और अब रह गया उनका मैच केवल बड़ी टीम न्यूजीलैंड से। अगर उनको हराती है तो भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और फिर ये भी उम्मीद करें कि विराट कोहली टॉस जीतने की भी हैट्रिक लगाए ताकि सेमीफाइनल में भी टॉस जीते और मैच भी जीते और फाइनल में और फाइनल भी जीते। वैसे मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग रूम में हमारी बात हो रही थी, अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंच गई ना तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटेगी, अगर पहुंच गए तो, अगर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने लिए हैं। सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान के मुजीब जो है वो स्पिनर वो फिट हो पाएंगे, राशिद के चार ओवर, मुजीब के चार ओवर आ गए तो फिर मुझे लगता है कि जो भारतीय फैंस चाह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे वो कल हो भी सकता है। टीम इंडिया की फॉर्म में वापसी, आगे की संभावनाओं पर क्या कहते हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह, आइए आपको दिखाते हैं। हरभजन सिंह तो इज लाइक पाकिस्तान पे अक्सर वही जीतता है जो मार खाने का मादा रखता है, और मार मैच के बाद इवन पाकिस्तान का जो मैच था, मैच से पहले जो इंडिया में हाय तौबा मचा हुआ था, जो पॉलिटिकल लोग नहीं खेलना पाकिस्तान नहीं खेलना, पाकिस्तान ने थोड़ी कहा था, वो तो चुपचाप बैठे थे। आपने अपने प्लेयर्स जो थे, 15 प्लेयर जो वहाँ पे वर्ल्ड कप की टीम में थे, उन पे इतना प्रेशर बना दिया हिंदुस्तान में, हाय तौबा मचा मचा के नहीं खेलना पाकिस्तान, नहीं खेलना पाकिस्तान। आपके प्लेयरों को हार का डर आप ही ने डाला ना उनके जहन में। पहली बार ऐसा लगा ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि आपके खिलाड़ियों पर हार से सबक जरूर लिया है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। इस हार से सबक तो हम ले लेंगे, लेकिन इस हार का जिम्मेदार कौन है? बीसीसीआई जिम्मेदार है, सेलेक्टर जिम्मेदार है, विराट कोहली जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है जिसने निराश किया? सबसे बड़ा बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास, सबसे महंगी टीम हमारे पास, सबसे महंगी बोर्ड हमारे पास, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे पास नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन जिम्मेदार है कपिल पाजी इसका? टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान की टीम तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई ही, इसके साथ ही साथ टीम इंडिया का ये टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि टीम इंडिया की उम्मीदें थी अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान की टीम अगर यह मुकाबला जीतती तो टीम इंडिया के पास मौका था सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने का, लेकिन न्यूजीलैंड की इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने पॉइंट इज कि आपको हार माननी है, ठीक है। आज भरत अरुण ने बोला या विराट ने बोला या रोहित ने बोला, या कोई प्लेयर आके क्या बोलेंगे? वो ये तो नहीं कह सकते कि जी हम जिम्मेदार हैं हार के, वो तो कोई भी नहीं बोलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप आग लगा दो, बट सवाल तो पूछ ही सकते हो ना आप सेमीफाइनल। मुझे लगता है सर, राशिका ये राशिका क्या होता है, हर बार ये कह देते हैं हम सेमीफाइनल खेले, उनको ये ओन करना चाहिए कि हमारे से गलती हुई है, हमारी तैयारी। तो इंग्लैंड, आपको क्या लगता है इस बार कौन ट्रॉफी उठाएगा? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में कंफ्यूजन है अभी, दोनों की बैटिंग और बॉलिंग फॉर्मेट दोनों अच्छा है, देखते हैं। मे भी इंग्लैंड जीत सकती है इस बार। इंग्लैंड जीत सकती है, आपको क्या लगता है इस बार कौन लेके जाएगा ट्रॉफी? वैसे तो चारों टीमें बहुत आपस में तगड़ी टीमें हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, मेरा भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही झुकाव है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह का इस बार क्रिकेट खेल रही है वह बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट है। भारत की अगर इस बार परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एज ए क्रिकेट, दूसरा बीसीसीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो अपनी क्रिकेट बेहतर प्लान कर सके फॉर द फ्यूचर। हम हार से क्या सीख सकते हैं, जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, ये सबसे बड़ी सीख है। आने वाले समय में क्या हम कम से कम गलतियां कर सकते हैं, क्या हम अपनी क्रिकेट बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर बीसीसीआई को सोचना होगा। पाजी, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हार से सबक जरूर लिया है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार क्यों? आप अफगानिस्तान के बहुत हिमायती थोड़ी हैं, आप इसलिए चाहते थे कि हमारी टीम पीछे वाले दरवाजे से पहुंच जाए सेमीफाइनल में। आपको पीछे वाले दरवाजे से जाना था ना, आपको लगा कि यार एक स्कॉटलैंड, एक अफगानिस्तान, एक नमीबिया, तीन हल्की टीमों को हरा के चलो हम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए? न्यूजीलैंड घास काटने आया हुआ था, न्यूजीलैंड घास काटने तो आया नहीं था। और भाई साहब, लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको न्यूजीलैंड ने ही अंत में जाके डंक मारा है, इवन आज भी अगर आप ले लें।
2020 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। और एक बार फिर से जो हम कह रहे हैं ना, आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा है वो लगातार बरकरार है भारत के लिए। 2013 में भारत ने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से टीम इंडिया लगातार फाइनल सेमीफाइनल में तो पहुंच रही थी, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि भारत को शुरुआती मैचों में दो हार मिली और उसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। और न्यूजीलैंड की इस जीत के साथ ही टीम इंडिया जो है टी20 वर्ल्ड कप 2021 की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। आप एक और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को अपने आखिरी लीग मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारतीय फैंस की सेमीफाइनल में टीम इंडिया को खेलते देखने की उम्मीदें टूट चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने शान के साथ अपनी चौथी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए एंट्री ले ली है और अब टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो गई हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड। बड़ी खबर आपको बता दें, टी20 विश्व कप में टीम इंडिया की उम्मीदों को झटका लगा है। आपको बता दें बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर नजर थी, अफगानिस्तान को 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने हरा दिया है और अफगानिस्तान की हार से ही ये भारत की जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी उसको बड़ा झटका यहां पर लगा। टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार हुई है क्योंकि पहले तो टॉस जीता अफगानिस्तान ने, उसके बाद बल्लेबाज चले नहीं, लक्ष्य बहुत छोटा रहा और उसको बहुत ही आसानी से एक ऐसे बॉलर के हाथ में था जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शायद आपको लगता है सर कि नहीं, देखो अफगानिस्तान ने अगर ये मैच 125 में जीतना था, मुजीब राशिद मुजीबिया उनके 1-2-3 ये 3 ओवर होने चाहिए थे। बोर्ड पे जब रन नहीं है ऑल द मोर रीजन कि आप राशिद को आप 7वें ओवर में थोड़ी बॉल कराते हो। बिल्कुल, बहुत लेट लेके आए राशिद, बट बात वही है ना कि हम बेगाने को थोड़ी कुछ कह सकते हैं। आज आप स्पोर्ट्स तक पर क्यों बैठे हैं? आज आपने आज तक पर स्पोर्ट्स तक पर इंडिया एक्सपोजर एक एंगल है, दूसरा एंगल है फटीक जिसकी चर्चा खुद प्लेयर्स बार बार करते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आईपीएल और वर्ल्ड कप का बैक टू बैक होना नुकसान देश ज्यादा साबित हुआ और फायदेमंद नहीं? देखिए, जब प्लेयर आईपीएल खेलना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं और देश के लिए नहीं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर प्लेयर को प्राइड लेनी चाहिए अपनी कंट्री खेलने के लिए, लेकिन मैं उनकी फाइनेंशियल क्रिकेटर या फिर एज ए एक क्रिकेट की अगर बात की जाए तो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वह सबसे बेस्ट था, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी किसी का दिन नहीं होता है, इसलिए किसी भी रूप में यानी कि जो मैच हुए हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी टक्कर के मुकाबले थे, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी थी, भारत का दिन नहीं था, दोनों मुकाबले वो हारी, लेकिन अब अगले साल फिर से वर्ल्ड कप होने वाला है तो ऐसे में अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि को दिखाई देती है कौन सी दो टीमें फाइनल खेल सकती है। मुझे लग रहा है कि सरदीप भाई पहले आप बता दें जी। गो बैंकी बैंकी सर जी, इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल, इंग्लैंड और पाकिस्तान जी। सरदीप जी बिल्कुल, मैं वेंकी बागे साथ हूं, बिल्कुल इंग्लैंड और पाकिस्तान ही फाइनल्स में देखेंगे जी। और वीआरवी आपको क्या लगता है, इंग्लैंड और पाकिस्तान या फिर हो सकता है कि इंडिया की इतनी बड़ी टीम हो, हर बार आप आईना दिखा देते हो कि जी खेले ना सेमीफाइनल, 1 बैड हाफ आवर हो गया, वो ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया खेला, बड़ी अच्छी बात है। अब आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हो, लेकिन कितने सारे एक्सक्यूजेस सर, अब एक्सक्यूज नहीं है हर बड़े टूर्नामेंट में। नितिन, अब अगर आप एक्सक्यूज दोगे और अगर आप एज क्रिकेट फैन, मतलब आई थिंक जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त हताश वो होंगे, मेरा आपका या आपका गुस्सा तो गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा उनका बढ़ाते रहे। और अंत में केन विलियमसन और कॉनवे की जोड़ी ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में जीत दिला दी और सेमीफाइनल का टिकट भी दिला दिया। लेकिन इसके साथ ही न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही टीम इंडिया का ये टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि भारत का भी एक मुकाबला और बचा है, वो कल खेला जाएगा भारत और नामीबिया के बीच में, लेकिन अब उस मुकाबले का कोई मतलब नहीं है क्योंकि टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड जो है वो ग्रुप 2 से दूसरी टीम बन गई है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, पाकिस्तान की टीम पहले ही। उसके बावजूद आपके पास पैसा ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर मैच जीतते जाएंगे, अच्छी चीज है आपके पास पैसा, उसका नुकसान नहीं है क्योंकि जो कमियां आपके पास है वो पैसा वही बात आ जाती है कपिल बाजी, लेकिन कि वो कमिटमेंट ही नजर नहीं आया। अगर आप पहले दो बड़े मुकाबले जो है वो हार जाए, इतनी बुरी तरह से हार जाए, तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट पर ही सवाल उठाने पड़ेंगे। बहुत दुख हो रहा है पूरी इंडियन मीडिया को, नॉट ओनली इंडियन मीडिया, हम सब। अच्छा, ज्यादा दुख है।
आठ विकेट से हुई है जीत भाई न्यूजीलैंड की, और इसी के साथ ये अब तो खैर सबके सामने पिक्चर क्लियर है कि अब इंडिया का जो रास्ता है, इंडिया की जो उम्मीदें हैं अब सेमीफाइनल वाली, वो होती हैं खत्म। कल फाइनल अपना आखिरी मैच खेलेंगे नामीबिया के अगेंस्ट, और ये मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, यानी कि अब वो सेमीफाइनल के लिए बढ़ चुकी है टीम। अब यहाँ से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगी जो दो टीमें होंगी इस ग्रुप से आगे बढ़ने वाली। आठ विकेट। ओके वेट, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो ये बताओ, फाइनल्स में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सी टीम खेलेगी? यार पाकिस्तान के पांच मैचेस हुए हैं और क्या ही खेला है उन लोगों ने, मतलब जस्ट वाओ, अमेजिंग, गजब तरीके से खेला है। अभी स्कॉटलैंड के साथ जो उनका मैच हुआ था उसके अंदर भी वो लोग जीते हैं। यार पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बार जीत सकती है वर्ल्ड कप, एंड मुझे तो ऐसा लगता है फाइनल्स में मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का। मतलब मुझे इतनी तो श्योरिटी है कि फाइनल्स तक तो जाएगा पाकिस्तान इस बार, एंड इंडिया सेमीफाइनल से ही आउट हो चुका है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब जो भी क्रिकेट फैन है इंडिया में उसके लिए, मतलब ऐसे हम देश छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है सबको। मेरे को तो वो वाला जो वो मीम है ना, वो मेरा डोला नहीं आया, डोला मेरे को पूरे दिन वो याद आ रहा था। बट अब क्या करें यार, हो गया इस बार, ऑल वी कैन डू इज बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अगले साल वापस वर्ल्ड कप आएगा, इससे ज्यादा तो अपन अब देखो अब कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल से आउट हो चुकी है इंडिया। बड़ा ही दुखी दुखी सा साउंड कर रहा है ना ये, जैसे मेरे रिएक्शन वीडियो जैसे होते हैं, मस्त एकदम हंस रहे होते हैं अपन, बातें बातें कर रहे होते हैं। यार चलो पाकिस्तान से भी हारी थी तो बहुत नेक्स्ट लेवल का दुख था, पर ये तो था कि एटलीस्ट सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में तो पहुंचेगा हमारा टीम इंडिया, पर वो भी उम्मीद खत्म। तो एक दुख के बादल जैसे छा गए हैं पूरे। हरभजन सिंह सर तो, मतलब बज्जी सर तो, उनके यार हर स्टेटमेंट ऐसे होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमेशा गेम को गेम की तरह नहीं फाइट की तरह लेते हैं। आई गेस ये फाइट जिस दिन बंद हो जाएगी ना, उस दिन ये जो बहुत भयंकर वाला प्रेशर बना देते हैं ना बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच, और वो खत्म हो जाएगा। बट यार कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि इस वजह से स्पाइस रहता है मैच के अंदर पूरे टाइम, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर सब एकदम बैठ जाते हैं फिक्स होके कि भैया हमारा इंडिया जीतेगा, अरे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्यूरोसिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, पर ऐसे भी लेवल पे नहीं पहुंचनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेट स्प्रेड करें, है ना। आई हैव टू ऑब्वियसली कंग्रेचुलेट पाकिस्तान एंड विश देम लक, बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप लोग सच में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं इस बार। और अच्छा बेहतर होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क ही जीते, इंडिया नहीं पाकिस्तान ही सही। आज के लिए बस इतना ही, स्माइल करिए क्योंकि आप तो कर ही सकते हो स्माइल, यार आपने थोड़ी कुछ गलत किया है। अब हो जाती है हार जीत क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडिया जो वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी सैड क्योंकि अगले साल होगा वर्ल्ड कप, दिखा देंगे अपन वापस, है ना। चलो जी ठीक है, बाय बाय, दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करिएगा, और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट्स, कभी सोशल एक्सपेरिमेंट्स, कभी ब्रांक्स, कभी सॉन्ग्स, और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप देख के मुझे बता दो कि कैसे हैं वो वीडियोस, है ना। बाय।